तो इंसाफ की मांग कर रही हजारों महिलाओं की आवाज से शायद रायसीना हिल भी हिल गया होगा। देश भर में हर तरफ गुस्सा और आक्रोश ही आक्रोश दिखाई दे रहा है। बलात्कार के खिलाफ गुस्से और प्रदर्शन से पूरे देश में एक नई जंग और नए कानून की मांग पर बहस शुरू हो गई है। हो गई है पीर, पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन ये आक्रोश महज हंगामे के लिए नहीं, बल्कि आर पार की लड़ाई के लिए है। ये आक्रोश इस उम्मीद में आज राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया कि शायद राष्ट्र प्रमुख और देश का पहला नागरिक उनकी आवाज सुन ले। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के सभी राज्यों से इसी तरह की आवाज उठ रही है और इस बार इस जंग को अंजाम तक पहुंचाने का इरादा है। उनके इस आंदोलन के साथ अब राजनीतिक दल भी जुड़ रहे हैं। अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रही देश की बहन बेटियों की मांग सिर्फ इतनी है कि रेप केस के मामलों में फांसी की सजा को भी शामिल किया जाए। लेकिन देश के गृह मंत्री और उनका विभाग बजाय इस पर कुछ बोलने के, आरोपियों को सिर्फ कड़ी सजा दिलाने की बात कहकर खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं आश्वासित करता हूं देश को कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट इसमें मेजरमेंट लूंगा। मेरे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ये इस पर बहुत चिंतित है, हम इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये एग्रीवेटेड केस है, बहुत सीरियस केस है, इसीलिए इसमें हम लोगों की मंशा है कि हम लोग मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग करेंगे। इस धारा के अंतर्गत मैक्सिमम पनिशमेंट है लाइफ इंप्रिजनमेंट, वो मांग करेंगे। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने न सिर्फ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पीड़िता का इलाज नहीं कराने पर नाराजगी जताई, बल्कि घटना वाले दिन इलाके में पेट्रोलिंग पर तैनात पुलिस कर्मियों के नाम भी रिपोर्ट में न देने पर हैरानी जताई है। कोर्ट ने पुलिस को 9 जनवरी को विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने स्ट्रिक्टली पुलिस को कंसर्न करके कहा कि हमें कोर्ट को डिटेल रिपोर्ट चाहिए कि उस दिन पुलिस ऑफिसर्स कौन कौन से ड्यूटी में थे और इस तरह के इंसिडेंट जो इस तरह के सेंसिटिव एरिया में होते हैं ये ऐसे नहीं होने चाहिए। इस बीच दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत से जूझ रही पीड़िता की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अर्ली साइंस ऑफ सेटिंग इन ऑफ इन्फेक्शन, द इन्फेक्शन सीम्स टू बी सेटिंग इन, दैट व्हाट इज द अर्ली, दीज आर आई स्टेट दैट दीज आर द अर्ली साइंस ऑफ सेप्सिस। आरोपियों को फांसी की सजा की मांग से अलग देश के अलग अलग हिस्सों में पीड़िता की सेहत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। विंध्याचल, वाराणसी, जयपुर, उज्जैन में पीड़िता की सेहत के लिए महामृत्युंजय जाप हो रहे हैं। लोग भगवान से दुआ मांग रहे हैं कि इस बहादुर लड़की को जिंदगी मिले ताकि वो इन आरोपियों को अंजाम तक पहुँचते हुए अपनी आंखों से देखे। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।